देखिए बहुत ही बढ़िया बना है हांडवो जो है, तो आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं और बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी है और ऊपर की तरफ से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट है। तो हम इसे ट्राई करेंगे हरी चटनी के साथ। अमेजिंग, रियली ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपके बच्चों को पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक नई ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं रवा हांडवो बनाने जा रही हूँ। हांडवो जो है वो गुजरात की फेमस डिश है, इसे कई तरीकों से बनाया जाता है। आज मैं रवा यानी कि सूजी से हांडवो बनाने जा रही हूँ और वो भी पैन में बनाएंगे, बिना स्टीम किए बनाएंगे। तो ये एक तरह का रवा केक है जो कि नमकीन होगा और हम इसे नाश्ते के लिए बना सकते हैं, स्नैक की तरह बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और इंस्टेंट रेसिपी है। यकीन कीजिएगा कि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भेज सकते हैं, उन्हें इसे ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं और आप इस रेसिपी में उन्हें बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है इकट्ठे खिला सकते हैं। तो इस इंस्टेंट नाश्ते के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप रवा लिया है, ये मोटा वाला रवा है, ये देखिए। आप इस रेसिपी में चावल का जो रवा आता है वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा बनता है ये हांडवो। तो 2 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। दही खट्टा या मीठा जैसा भी ले सकते हैं, ताजा दही ले सकते हैं। आप दही की अमाउंट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर जो सब्जियां ली हैं वो देख लेंगे। 1 मीडियम साइज का अनियन बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच फ्रोजन मटर लिए हैं, अगर आप चाहें तो बॉईल करके ले सकते हैं। गाजर ली है मैंने यहाँ पर, 1 गाजर को बारीक कट कर लिया है। 1 बड़ा टमाटर जो है वो बारीक कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, 2 हरी मिर्चें जिन्हें की मैंने बारीक काट लिया है, 1 इनो का सैशे, ये 1 टीस्पून इनो है, आप प्लेन वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने लेमन वाला लिया है। अगर आप इनो यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं और वो भी 1 टीस्पून लेना है। 1.5 टीस्पून के करीब नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, जीरा 1 छोटा चम्मच, 10-12 करी पत्ते और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है पानी, जिसको कि हम बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो अब हम रवा केक बनाना शुरू करेंगे। तो मैं रवा केक बनाने के लिए इस टाइप के डीप टॉन स्टिक पैन का यूज कर रही हूँ। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के फ्लैट पैन में भी इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो आप किसी सिंपल पैन या कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बैटर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम 2 कप सूजी डाल देंगे, सूजी में दही डाल देंगे 1 कप, दही डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। देखिए दही मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मैं यहाँ पर सेम कप से 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज्यादा पतला बैटर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको कुक करने में फिर उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। पहले हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, उसके बाद और पानी की अमाउंट ऐड करेंगे ताकि हम इसकी कंसिस्टेंसी को पूरी तरह चेक कर सके और ये रवा जो है वो इसको जितना भी पानी सोखना है वो सोख लेगा। हम इसमें बाकी की सभी चीजें ऐड कर देंगे। करी पत्ता जो है उसको तोड़कर ऐड कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो ये तड़का बनाकर भी डाल सकते हैं, बट मैं सिंपली ऐड कर रही हूँ। साथ ही हरा धनिया ऐड कर देंगे, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर और मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सब्जियों को इसलिए बारीक काटा है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ा सा क्रंच भी दें। अगर आप चाहें तो इन्हें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सब्जियों की अमाउंट कम कर सकते हैं, बट जितनी सब्जियां होंगी उतना ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा ये। ये देखिए अभी काफी थिक है ये, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी 2 कप इसमें लिक्विड ऐड किया है, 1 कप दही, 1 कप पानी और 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ मैं। तो हमने इसमें टोटल 1.5 कप पानी डाला है और साथ ही हमने इसमें 1 कप दही डाला है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक लिया है। आप चाहें तो इसमें सरसों के दाने भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं ऐड किए हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लाल मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। देखिए ये सूजी ने जितना भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, ये कितना थिक बैटर है। आप इसमें चाहें तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं या कोई और
मसाला जैसे कि पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं ये बिल्कुल सिंपल रखती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है इसी तरह हरी चटनी के साथ। अगर आप इनो से बना रहे हैं तो इस मिक्सचर को दो जगह डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितने मिक्सचर से बनाएंगे उसी में हम इनो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जितना मटेरियल मुझे यूज करना है उसको पहले ले लूंगी। मैं यहाँ पर इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। मैं पहले एक हिस्से से आऊंगी तो मैं इसमें इनो ऐड करूंगी। तो इसमें हम आधा पैकेट यानी कि हाफ टी स्पून के करीब इनो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जल्दी से, ताकि इनो से इसमें काफी अच्छा सा एरिएशन हो जाए, हवा भर जाए इस बैटर में। देखिए बैटर काफी लाइट और हल्का हो चुका है। मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। यहाँ पर पैन काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको ऑयल को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एक बार, और इसमें ये रवा का जो हमने मटेरियल तैयार किया है ये डाल देंगे। इसको हल्का फ्लैट कर देंगे। इस पैन को हम ढक देंगे तो लो फ्लेम पर इसको लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से कुक होने देंगे। तो मैं आपको इसे 10 मिनट के बाद चेक करवाती हूं। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए साइड्स पर से गोल्डन होने लगा है इसके एजेस पर से, तो हम इसे किसी चाकू की मदद से चेक कर लेंगे बीच में से। ये देखिए इस पर हल्के हल्के से क्रम्स आ रहे हैं अभी, और ढक करके पकाएंगे इसे 3 से 4 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम 15 मिनट के लिए रखेंगे, 5 मिनट के लिए और कुक करूंगी। पूरे 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी अब कच्चापन नहीं दिख रहा है। तो अब हम अगेन एक बार फिर से चाकू की नोक से चेक कर लेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से कुक हो चुका है, कोई भी क्रम्स इस पर नहीं लग रहे हैं। और एक और चीज से आप चेक कर सकते हैं, पैन की साइड्स जो है इसने छोड़ दी हैं और ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, हम यहाँ से देख पा रहे हैं साइड से। हम इसको इस प्लेट की हेल्प से पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इस पर पैन पर प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया और गोल्डन कलर आया है इस पर, और अगेन मैं इसको इसमें स्लाइड कर दूंगी पैन में, ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन हो जाए। देखिए, और इस तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। काफी क्रिस्पी है ये, मैं आपको नाइफ से चेक करवाती हूँ। ये देखिए, तो हम इसको इसी तरह से लो फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको 5 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी पक चुका है, और हम इसको अब निकाल लेंगे किसी प्लेट में और कट करेंगे। और इसको हम प्लेट में, ये देखिए बहुत ही इजीली शिफ्ट हो जाता है, ये फुल क्रिस्पी गोल्डन और काफी पफ्ड है ये। मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ कि ये दूसरी तरफ से कैसा है। वाह, दूसरी तरफ से टेक्सचर है, और ये यहां से भी गोल्डन सेक लिया है हमने। देखिए बहुत ही बढ़िया बना है हांडवो जो है, तो आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं और इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। और मैं इसे थोड़े से हरे धनिए और हरी मिर्च से गार्निश करूंगी। इसे जल्दी से अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे ट्राई करेंगे, इट्स रियली नाइस एंड अमेजिंग। मैं आपको इसका एक क्लोज लुक दिखाना चाहूंगी। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला और अंदर से बिल्कुल रवा वाला टेक्सचर है जो कि इडली के अंदर होता है। तो ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रवा हांडवो तैयार है, तो हम इसे ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी है, और ऊपर की तरफ से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट है, तो हम इसे ट्राई करेंगे हरी चटनी के साथ। अमेजिंग रियली, ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपके बच्चों को पसंद आएगा। आप इसे पीसेस में कट करके टिफिन में भेज सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय रेसिपीज, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।